रैन, आज हम आपको बताएंगे अपना ई केंद्र में क्या क्या सर्विसेज है और क्या क्या सर्विस का लिस्ट है और क्या क्या सर्विस यूज़ करना चाहिए और क्या क्या सर्विस यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह मिल जाता है रिचार्ज, माइंड ट्रांसफ़र, APS, T2S, फास्टैग, गैस, वाटर, पैन कार्ड और काफ़ी सी सर्विस है। इसके लिए आपको आना है सर्विस, उससे टैप कर देना है। सर्विस लिस्ट में आपके देख पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, इसका चार्जेस है 600। आधार सर्विस, इसका सर्विस 300 था कुछ देर पहले, अभी 700 कर दिया। इसके अंदर फिंगर से डाउनलोड करने का आधार का ऑप्शन है, आधार का अपडेट जो आपने किया है उसका स्टेटस और आधार वेरिफिकेशन होता है। इस एक्स्ट्रा आधार अपडेट नहीं होता है, ना ही कोई न्यू आधार अप्लाई होता है। उसके बाद यह है ITR रजिस्ट्रेशन, एक्टिव चार्ज 600, एक्टिवेशन चार्ज, ITR फाइलिंग 400, GST रजिस्ट्रेशन 300, GST फाइलिंग 200, उद्योग आधार एक्टिव चार्ज। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, वही सब मिलता है। आधार का अपडेट का स्टेटस डाउनलोड आधार फिंगर से और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है वोटर आईडी कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड जो है आपको वेब पोर्टल से सारी सर्विसेज मिल जाएगा। इसको जो है आपको मिलता है न्यू अप्लाई करेक्शन और इसके साथ चेक। तो ये जो है मतलब ये इसके अंदर में सर्विसेज ये नहीं, इन्होंने जो है वोटर आईडी का जो साइट है उससे लिंक है, जो आप यहाँ पे टैप करेंगे, जब ये आईडी परचेज करेंगे जब आप टैप कर देंगे तो ये जो आपको सीधा लेके जाएगा वो वाला वेबसाइट में, वोटर आईडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस साइड में आपको ले जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इसमें अपना ई केंद्र में कोई हाथ ही नहीं है, ये लोग बस लिंक्स में दे के रखा है। और ये जो कनाडा बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक, अलाहाबाद बैंक, ये सब है, ये सब का चार्ज है 10,000 प्लस GST है। ये सब सर्विस मत लीजिएगा, अगर आप लीजिएगा तो अपना हेडेक में ले जाए, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम में यह होता है कि ये लोग कॉल रिसीव नहीं करता है। ऐसे ही आपका जब 10,000 कट जाएगा तब ये लोग आपका कॉल ही रिसीव नहीं करेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बैंक का सीस पे चक्कर में ना पड़े, ये आपको मिलने वाला है नहीं, बस ये लोग दिखा देता है। IRCTC जो है आपको अगर लेना है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे किसी और साइट से ले, जैसे कि आप पे वर्ल्ड हो गया, स्पेस मनी हो गया, उसके बाद RNFI हो गया, ये सब कंपनी में जो है आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनका प्राइसेस है 2700 + 1800 GST। और आपका स्पेस मनी में लेंगे तो उसमें जो है OTP बेसेट मिलेगा, कोई डोंगल का झंझट नहीं, फ़ोन पे लॉगिन करें कोई भी करें, स्पेस मनी से ले आप, आपको 2000 में मिल जाएगा। अगर आपको स्पेस मनी का ID या रेलवा का ID चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी आपको स्पेस मनी का ID फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो रेलवे का IRCTC का एजेंट ID है वो आपको इसके लिए 2000 पे करना पड़ेगा। उसके लिए रिचार्ज का सर्विस प्लान यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, या आपको 5% कमीशन मिल जाता है। उसके बाद APS का जो है, ये APS एक्सप्रेस, इसमें जो है आपको मिल जाता है 0.35 पैसा आपको पर ट्रांजेक्शन मिल जाता है। इसका जो है APS का जो कमीशन मोस्ट है, ये आपको 15 रुपये तक के कमीशन मिल जाता है। अगर 10,000 तक आप लोग विड्रॉल करेंगे तो आप लोगों को 15 रुपये तक मिल जाएगा। जैसे कि बाकी कंपनी है आपका RNFI, उसके लिए RNFI आपको 12 रुपये तक कमीशन देता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक गोल्डन पैक खरीदना पड़ता है, तब जाके आपको 12 रुपये मिलता है। आप ऐसे काम करिए, आपको कोई चार्ज नहीं, कोई पैक नहीं, आपको सीधा 15 रुपये मिल जाएगा 10,000। और क्रेडिट कार्ड, VPPS, फास्टैग, ब्रॉडबैंड लोन, कैश डिपॉजिट, LPG, EMI, हाउसिंग, हॉस्पिटल, सब्सक्रिप्शन, तो आप यहाँ से जो है मनी ट्रांसफ़र का सर्विस आसानी से आपको मिल जाता है। या यहाँ पे आप तीन सर्विस यूज़ करें, रिचार्ज, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, पैन कार्ड और मनी ट्रांसफ़र का यूज़ करें।
इसमें आपका फ़ायदा होगा, इसका कमीशन में ज़्यादा। इस पर माइंड ट्रांसफर का चार्जेस ओनली 5 रुपीज़ है 1000 में। अब बाकी कंपनी से आप अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पर 1000 में आपको 10 रुपये देना पड़ता है, इसमें जो है 5 ही रुपये कटता है। अगर आपको इसका आईडी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, या फिर आप ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट है उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लिंक हम वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद ये जो सर्विसेज है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार सर्विस, ये सब लेके हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करें, ये सब एक एक सर्विस हम परचेस करेंगे और वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो करेंगे, वरना सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।